छोड़ दो मुझे। कौन हो तुम? मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पैसा पैसा चाहिए तुम्हें? मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं सब दे दूंगा तुम्हें, बस मेरी जान बख्श दो प्लीज। उस घने अंधेरे में एक आदमी आता है, एक कैमरा सेटअप करके और राज के सामने बैठता है। रघु, नहीं नहीं नहीं। अब शुरू होगी मौत की रिपोर्टिंग। तुम तो मर चुके थे ना, तुम यहाँ कैसे? सवाल मैं करूंगा, तुम नहीं। मैं रिपोर्टर रघु, अपने आखिरी रिपोर्टिंग की यात्रा पर कैमरामैन राज से कुछ सवाल करते हुए। नहीं छोड़ दो भाई, मैं तो तुम्हारा भाई था ना, गलती हो गई मुझसे। तो पहला सवाल, धोखा देना कब से शुरू किया और मुझे धोखा देने में कौन कौन शामिल था? जब से तुम उस पॉलिटिशियन की रिपोर्टिंग कर रहे थे तब से विक्रम और खासकर वंशिका दोनों इसमें शामिल थे। मैं क्या करता, मैं भी उनके साथ हो लिया। हंस क्यों रहे हो? मुझे डर लग रहा है रघु, प्लीज मुझे छोड़ दो भाई। धोखा गलती नहीं, पाप है, पाप के लिए माफी नहीं होती। जिस कैमरे को तुम हर वक्त पकड़े रहते थे उसी कैमरे से तुम्हारे आखिरी सांसों की रिकॉर्डिंग की जाएगी। अब रिपोर्टर भी मैं और जज भी मैं और तुम्हारी जान लेने वाला जल्लाद भी। ये कहकर रिपोर्टर राज पर पेट्रोल छिड़कने लगता है। नहीं, नहीं। मुझे मारना है तो मार दो, पर ऐसे तड़पा कर नहीं, छोड़ो मुझे। इस दुनिया में न्याय मिलता नहीं, छीनना पड़ता है, पर मरने के बाद ही क्यों ना छीनूं? रघु एक माचिस की तीली जलाता है और राज पर डाल देता है। नाइंसाफी की जो आग रघु के अंदर भड़की थी वो अब उसकी रूह के रूप में आकर बदला ले रही थी। ये ज्वाला बदले, इंसाफ और धोखे की थी जिसमें अब राज जल रहा था। नरक में इंतजार करना, धरती से पाताल तक कर सफर तय करूंगा तुम्हें तड़पाने के लिए। न्याय का नाश हो। अगली रिपोर्टिंग के लिए तैयार, शमशान से लौटा हुआ रिपोर्टर रघु। आखिरी सांस गिनते हुए उसने उस दिन को याद किया जब उसने इंसाफ की बातें करने वाले रघु को धोखा दिया था। रघु और उसकी टीम आज रघु के कमरे में उनके केस पर बात कर रहे थे। रघु एक बार सोच लो, ये राजवीर बहुत ही बड़ा नेता है, अगर फंस गए ना तो ये जान ले लेगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि रास्ता कांटों से भरा हुआ होगा, हम असली रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो जाहिर है खतरा तो होगा ही। तुम्हें अगर डर लग रहा है तो तुम चले जाओ, लेकिन मैं नहीं हटूंगा और आज रात उस राजवीर के इंसानों के तस्करी का खुलासा मैं करके रहूंगा। आज रात उसका एक कंटेनर आने वाला है, खबर पक्की है। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ रघु। चारों की आपस में सलाह हो जाती है और जैसे ही राज और विक्रम कमरे से निकलते हैं वंशिका पीछे ही रुक जाती है और रघु से कहती है, रघु मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। वंशिका ये एक ही बात न जाने कितने बार बोल चुकी हो, मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मेरी बस एक ही मोहब्बत है और वो है मेरा काम और तुम मेरी दोस्त हो। तुम हमेशा ऐसा ही कहते हो, तुम्हें मेरी कदर ही नहीं है। ठीक है अब मैं भी तुम्हारे पीछे नहीं घूमने वाली। वंशिका वहां से गुस्से से चली जाती है। अब वो वक्त आ गया था जब रघु के जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला था। सभी देशवासियों को रिपोर्टर रघु का नमस्कार। इस देश को कुछ मंत्री दीमक की तरह खा रहे हैं और खोखला करते जा रहे हैं, बिल्कुल राजवीर की तरह। ये नेता इंसानों की तस्करी करता है, ये देखिए और खुद करिए चुनाव कि इन्हें सत्ता में रखना है या जेल में। राज कैमरा कंटेनर की ओर घुमाता है और सारी चीजें रिकॉर्ड करने लगता है। वो देखो राजवीर, वहाँ एक रिपोर्टर है,
जो खुद को इंसाफ का रक्षक समझता है। ओह अच्छा, तो ये है वो। थैंक यू वंशिका, मुझे पता था कि मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। अब तुम्हें कभी ऐशो आराम की कमी नहीं होने दूंगा। वंशिका को देखकर रघु के होश उड़ गए थे। ये क्या हो रहा है? तभी राजवीर और उसके गुंडे रघु के सामने आ जाते हैं। तुम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरा, और वंशिका तुम, ये धोखा देकर तुमने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, सिर्फ अपने कैरेक्टर और तुम कैसी हो उसकी पहचान बताई है। ये लाइव स्ट्रीम पर है, चिप दो मुझे। ये क्या कह रहे हो, कोई चिप? ये लीजिए चिप, जितनी भी रिकॉर्डिंग्स हुई है वो सब इसके अंदर है। राज, ये तुम क्या कह रहे हो? हम तो न्याय करने निकले थे ना। न्याय? बॉस, न्याय जैसी कोई चीज नहीं होती, सिर्फ पैसा और पावर बोलता है। पर उतने में ही विक्रम उसके पीठ में छुरा भोंक देता है। विक्रम, तुम भी? हाँ मैं भी, बिन बात की मौत नहीं मरना मुझे। हमने सोचा था कि तुम्हें भी शामिल कर ले, पर तुम तो निकले थे न्याय का झंडा लेकर, किसी की बात सुनी कहा रहे थे। वो लोग हंसते हैं और उसे वहां छोड़कर चले जाते हैं। बारिश होने लगती है और मानो उसी बारिश में रघु का मरा हुआ जिस्म रो रहा हो अपनों से धोखा खाकर। वंशिका राजवीर से बात कर रही थी। राजवीर, मुझे बहुत डर लग रहा है, वो हमें भी मार देगा। राजवीर, मुझे बहुत डर लग रहा है। अपना ध्यान खुद रखो, यहाँ अगर मेरा नाम खराब हो गया तो पूरी पार्टी गिर जाएगी। फोन रखो और मुझे वापस परेशान मत करना, और दोबारा मुझे कॉल मत करना, मुझसे पूछ कर धोखा दिया था क्या तुमने? अब भुगतो। राजवीर सुनो तो। और वंशिका डर के मारे कमरे में बैठ जाती है और खुद से बड़बड़ाने लगती है। रघु मुझे मार देगा मुझे। मैं तो उसे प्यार करती थी ना, नहीं वो मुझे नहीं मारेगा, उसे मुझे नहीं मारना चाहिए ना। लेकिन मैंने ही रघु को धोखा दिया था, लेकिन गलती तो रघु की थी ना, उसे मेरा प्रपोजल नहीं ठुकराना चाहिए था। तभी अचानक दरवाजे पर एक दस्तक सुनाई पड़ती है। वंशिका बहुत डर जाती है। कौन है? रघु तुम हो? मैंने कुछ नहीं किया, मेरी गलती नहीं थी। अरे वंशिका, मैं हूँ, दरवाजा तो खोलो। विक्रम? हाँ ठीक है, मैं आ रही हूँ। वंशिका दरवाजा खोलती है और अचानक उसके घर की लाइट कट हो जाती है और सिर्फ वंशिका की चीखने की आवाज आती है। अचानक एक बल्ब जलता है और एक चेयर पर वंशिका बंधी हुई थी। एक आदमी अंधेरे में कैमरा सेट कर रहा था और फिर वो आदमी वंशिका के सामने बैठ जाता है। रघु? हाँ मैं, और तुम्हारे दो दोस्त भी साथ लेकर आया हूँ। आज तुम सब लाइव आओगे। नमस्कार देशवासियों, मैं रघु आपकी सेवा में सीधे शमशान से उठकर आया हूँ। आज हम लाइव बातें करेंगे भ्रष्ट नेता रघुवीर से और दो धोखेबाज दोस्तों से। क्या लगता है मुझे पहला सवाल किससे करना चाहिए? हमें छोड़ दो रघु, ये राजवीर तुम्हें बहुत पैसे देगा, मुझे भी दिए थे उसने। हम लाइव है बेवकूफ। पागल मत बन राजवीर, तेरे पैसे जरूरी है या जान? नहीं रघु, मुझे छोड़ दो, मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करती थी और तुम मुझे ठुकराते रहे, इसलिए मैंने ये सब किया। गलती मेरी नहीं, तुम्हारी गलती है। तो पहले रिपोर्टिंग करेंगे हम एक मोहब्बत की। वंशिका, आपसे सवाल है, क्या आपने राजवीर के साथ मुझे मरवाने के लिए संबंध बनाए? हाँ, पर मैं क्या करती? मुझे सिर्फ तुम ही दिखते थे और मैं नहीं चाहती थी कि तुम किसी और से मिलो। यानी तुम्हें मुझसे कोई मोहब्बत नहीं, बस एक पागलपन था और तुम्हें बस अपनी जिद पूरी करनी थी, और तुम्हारे धोखे से सिर्फ मुझे ही नहीं पूरे देश को नुकसान हुआ। उन लड़कियों का जिन्हें इस राजवीर ने कंटेनर में डालकर दूसरे देश में भेज दिया,
उन सब लड़कियों का क्या? मुझे और किसी की जिंदगी से क्या मतलब? कोई पछतावा नहीं, अब वक्त जजमेंट का है। सजाए मौत दी जाती है तुम्हें, तड़प तड़प कर मरोगी तुम। तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी जान तुम्हारे जिस्म को धीरे धीरे छोड़ रही है। रघु उठकर वंशिका को कोई चीज पिलाता है। ये क्या था रघु? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पूरा जिस्म जल रहा है। तुम्हें मैंने एक दवाई पिलाई है, अब तुम्हें खून का हर कतरा कतरा महसूस होगा। ना तुम चिल्ला पाओगी, ना कुछ कह पाओगी, बस घुटन में अपनी जान जाती महसूस करोगी। अब रघु विक्रम और राजवीर की ओर देखता है। ऐसे मत देखो हमें, मुझे इस तरह नहीं मरना रघु, ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। मुझे छोड़ दो, इस राजवीर ने मुझे बहुत पैसे दिए थे, मैं बहुत लालच में आ गया था रघु, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, छोड़ दो मुझे। कुछ भी मत बको, वंशिका मेरे पास आई थी तुम्हारे बारे में बताने, और ये विक्रम भी वंशिका का पीछा करते करते आया था। पैसों की डिमांड इसी ने की थी, डायलॉग मार रहा था कि दोस्ती सस्ती नहीं होती साहब, और हंस रहा था। तो देशवासियों, क्या लगता है, हमें विक्रम को और पैसे देने चाहिए? मुझे लगता है कि लोग कह रहे हैं बहुत पैसे देने चाहिए तुम्हें विक्रम। नहीं, तुम क्या कर रहे हो, कौन से पैसे, मुझे नहीं चाहिए पैसे रघु। नहीं, बहुत पैसा चाहिए था ना तुम्हें, लो सोने का एक छोटा ताज मेरी तरफ से। तभी रघु सोना विक्रम के बालों में डाल देता है। साइको, साइको हो तुम, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। बस इतने में डर गए? तुम तो ऊपर वाले हो ना, जो इंसानों के जिंदगी का डिसीजन खुद ले सकते हो, और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करते वक्त तब तो तुम खुद को ऊपर वाला महसूस कर रहे थे। नहीं, मुझे तड़पना नहीं है, जाने दो मुझे, मैं उन सबको वापस ले आऊंगा। तो रिपोर्टर रघु मोकाय वारदात से रिपोर्टिंग करते हुए आपके सेवा में हाजिर सीधे शमशान से। आगे क्या होगा जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। शमशान का रिपोर्टर फिर इंसाफ करने लाइव आएगा।